बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ते थानू सारियां नू असद याकूब दी तरफों बहुत बहुत सत श्री अकाल। मेरे एक स्टूडेंट ने इंडियन पंजाब चे उन्होंने क्वेश्चन कीता सी कि जी ए दसो जे आपां लिसनिंग नू जीरो तो स्टार्ट करना होए ते किद्दां स्टार्ट करांगे, सानू की करना पवेगा कि साडी लिसनिंग जिहड़ी है जीरो तो स्टार्ट हो जाए। बहुत आसान तरीका है, वह मैं थानू हुण दसण लगा। जिन्हें भी पंजाबी ने भावें वह पाकिस्तान के पंजाबी ने भावें वह इंडिया के पंजाबी ने, चकन्ने हो जाओ, होशियार हो जाओ। हुण मैं थानू वह टिप्स देन लगा जिन्हें राही तुसी आप दी आयल्स लिसनिंग नू, जे थोड़ी लिसनिंग चार बैंड ते खलोती है ते चार तो उन्हों तुसी चुक के छे सत्त बैंड ते लिया सकते हो। चाह पी रहे हैं, लस्सी नहीं पी रहे, गुस्सा नहीं करना तुसी। अच्छा जी, सब तो पहली गल ए वे कि अपनी लिसनिंग नू इंप्रूव करन वास्ते केम्ब्रिज आयल्स दियां जिन्नियां भी किताबां ने, एक किताब शुरू होंदी है नंबर वन तो, कर लो शुरू नंबर वन तो, ठीक है। उन्दे एंड ते जिहड़ा ट्रांसक्रिप्ट दिता है तुसी की करना है, आप दे हच्चे कप रख लेना, उन्दे च भावें चाह पा लो, भावें उन्दे च कॉफ़ी पा लो, तो भावें खाली कप हच्चे फड़ लो। कभी बंदे का कुछ ना भी खाण पीन दिल करता है तो खाली कप तो हच्चे फड़िया होएगा ना, कम अज़ कम तुसी जिस तरह मैं फड़िया, मेरा भरिया है। हाँ, ऑलराइट, एनीवेज़, तो तुसी की करना है, ऑडियो प्ले करनी है, बुक अपने सामने रखनी है, हच्चे पेंसिल फड़ लो, ठीक है। तो नाल जिस तरह ऑडियो चलती जाए हर वर्ड पर पेंसिल नू फेर दे जाओ। लिखना नहीं है, माड़ी जी पोली जी पेंसिल फड़ के रखनी है, नहीं कि तुसी उत्थे लकीरां लान लग जाओ, बाद चो कोई तो सत्यानाश वज गया इंदा, नहीं, पोली जी पेंसिल फड़ लो नाल। जे नहीं पेंसिल तो हाथ दे नाल ही उंगली दे नाल जो जो वर्ड्स ऑडियो चे तुहाडे कन चे पै रहे ने, तो मैं थोनू प्रेफर यही करांगा कि ब्लूटूथ हैडफोन लै लो या हैंड फ्री लै लो, ठीक है। हैंड फ्री लैके उन्हूं तुसी आप दियां नासा च नहीं तुरना, कन्ना च तुरना, यार की हो गया, नासा च नहीं, हाँ, हैंड फ्री लैके ना उन्हूं कन्न च पा के आराम ना सुकून ना, ताकि किसी नूं पता ही ना हो की कर रहा है, आराम नाल। यू जस्ट हैव टू गो ऑन लाइक दिस। इंदे नाल की होएगा, जिस तरीके नाल ओ वर्ड्स बोलते हैं, हुण गल सुनो मेरी ध्यान नाल, अंग्रेजी उही है जिहड़ी असी बोलते हैं, जदों पढ़न लगने आ सानूं समझ आ जाती है, जदों उही अंग्रेजी अंग्रेज बोलते हैं तो सानूं पता नहीं लगता कि किद्दां बोल गए, क्योंकि मूंह विंगा सीधा करके बोलते हैं। हुण आपां कहने आ सैटरडे, वह कहते हैं सैचडे, आपां कहने आ वाटर, वह कहते हैं वोच वोच, लाइक दैट। सो तुसी की करना है, तुसी यह वेखना है केड़े केड़े वर्ड्स नू ओ किद्दां किद्दां प्रोनाउंस करते ने। बहुत इंट्रस्टिंग होएगा, ऑडियोज चलनगियां, डायलॉग्स आनगे, एक एक करके तुसी सुनोगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। तुसी कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट जिहड़ा है वह बुक वन तो स्टार्ट करके 14 दी 14 किताबां दा ट्रांसक्रिप्ट सुनना है। हुण मैं थानू टाइम भी कढ के दस देना किन्ना किन्ने ते टाइम लगेगा। एक जिहड़ा साडा टेस्ट हुंदा ना लिसनिंग दा, वह तकरीबन 25 मिनट का होंगे, तो 4 टेस्ट साढ़े हो गए 100 मिनट के। 100 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा, यानी एक किताब जी है उन्हें तो थोड़ा लगेगा 1.5 घंटा। हुण तुसी की करना है, ये प्रैक्टिस करनी है 16 दिनों से, नहीं 15 कर लो, क्योंकि आइट्स दी अजे तक 15 किताबा आईया ने। एक दिन से एक किताब का ट्रांसक्रिप्ट मुकाना है। तो जे थोड़े को टाइम होर भी है, नहीं पिंडा थावां दे लोग होंदे ने, होर कुछ करन नूं होंदा नहीं, मज्जां नूं नवाउण लै गए ते नाल आप बह के ऑडियो लगा ली ते सुनदे रहे, ठीक है। तो उस सूरत हाल से तुसी की करना है, पहले बुक दे नाल ट्रांसक्रिप्ट दे नाल नाल लिसनिंग करनी है, उस तो बाद सिर्फ तुसी ऑडियो प्ले कर देनी है। ऑडियो लगी रहेगी तो अपना ध्यान किसी इधर सज्जे खब्बे कर लो, जो वो बोल रहे ने उन्हूं तुसी समझना है, विजुअलाइज करना है, समझना है। ये काम तुसी 14 बुक्स दे नाल करना है, जस्ट लिसनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई कुछ नहीं। जदों तुसी यह काम कर लो, हुण फिर दसा की होएगा, पहली किताब खत्म करन तो बाद जदों तुसी दूजी किताब ते आओगे तुहानू अच्छा फील होएगा, दूजी किताब तो बाद जदों तुसी तीजी किताब ते आओगे तुहानू होर अच्छा फील होएगा कि हाँ बई हुण गल पल्ले पै रही है, हुण जट नू पंजाबी भी समझ आ रही है ते जट नू अंग्रेजी भी समझ आ रही है, क्योंकि जट्टां वास्ते अंग्रेजी समझना थोड़ा जिहा औखा हो जाता है। तो फिर तुसी की करना है, दूसरी किताब, थर्ड बुक, फोर्थ बुक, फिफ्थ बुक, करदियां करदियां आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी वेखना प्रोनंसीएशन भी इंप्रूव होएगी, थोड़ी लिसनिंग भी इंप्रूव होएगी। तो जदों तुसी यह 14 बुक्स 15 बुक्स खत्म कर लवो, इस तो बाद तुसी आयल्स दे लिसनिंग दे प्रैक्टिस टेस्ट करना शुरू करो, तो थानू वाजिया फर्क नज़र आएगा। जिस तरह दिन ते रात से फर्क होंदा ना, रात अनेरी होंदी है ते दिन जगमगांदा होंदा है, बिल्कुल इदां थानू आपदी लिसनिंग चे बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होएगा। जे थानू ये वीडियो चंगी लगी है ते तुसी चाहुंदे हो कि मैं होर भी आयल्स दियां वीडियोज़ बनावां पंजाबी चे तुहाडे वास्ते, पंजाबियों वास्ते, जट्टां वास्ते, क्योंकि एट दी एंड जट्टां दा ढेर लगा है कनेडा चे। हुण की कहिंदे ने, कनेडा इज़ सैकिंड पंजाब, क्योंकि जट जाके जनाब उन्होंने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया, ट्रक ड्राइवरी की, ते ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालक की, ते हर पासे थानू जट नज़र आएंगे। तो
बेसिकली थोड़ी एफर्ट है, मतलब देखो थोड़े वास्ते इंग्लिश सीखना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी तुसी एफर्ट करके प्रोमिनेंट होंदे जा रहे हो, तो इस प्रोमिनेंस नू बरकरार रखना है। इसे करके मैं थोड़े वास्ते पंजाबी च वीडियोज़ बना रहा ताकि थोड़ा हर चीज़ समझ आ जाए। जे चाहते होर वीडियोज़ बनावा कॉमेंट करो, जैकेट चंगी लगी तो इन भी कॉमेंट करो, पूछना चाहो कितों लगी तो वह भी पूछ लो मेरे को, जे मैं इस तो चंगी जैकेट गिफ्ट करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, एड्रैस भेज देंगे तुहानू जे चाहिए होएगा, मजाक कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। इस तो इलावा मैं ऑनलाइन आयल्स भी पढ़ाना ऑल ओवर द वर्ल्ड, पंजाबी जिथे जिथे दुनिया के जड़े जड़े कोने च ने, जे आयल्स मेरे को पढ़ना चाहो ऑनलाइन तो मेरा वट्सएप का नंबर है, इन्हें तुम मेरे नाल राबता कर सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच। असद याकूब टोली विशेज यू बेस्ट ऑफ लक, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स, अल्लाह हाफिज़।